हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब लेकर आ चुके हैं ब्रांडमान जी के बेस्ट एपिक कॉमेडी सीन। तो भाई साहब काफी दिन हो गए थे, लोग बोलते हो यार हाँ तुम तो भाई साहब जो बेस्ट कॉमेडी वाला उसको भूल ही गए, तो भाई भाई, साहब हमने कैसे भूल सकते हैं। हाँ भाई, वो तो जान है हमारी। भाई तो भाई साहब लेकर आ चुके हैं, देखते हैं भाई साहब ये कैसे होने वाला है इनका हाँ, ये सीन। सीन। तो भाई कड़ौन करते हैं स्टार्ट। वाह भाई, भाई यहाँ क्या हुआ? यहाँ बैठो भाई। बात क्या है? पहले बैठो फिर बताऊंगा। अरे अब बोलो क्या हुआ? नहीं भाई, पहले ड्रिंक्स पियेंगे। ड्रिंक्स अच्छा? डिस्कशन एक साथ? ये कोई टाइम है? रात को अच्छा लगता है। बिना सवाल के गटक लो भाई। ड्रामा बहुत हुआ, बको। ये उतरेगी तो गले से बात निकलेगी। ऐसा क्या? अच्छा। अब रिकॉर्ड प्ले करो। आज संध्या मैडम से मिला था, मैंने उनसे कहा कि आप उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने कहा पानी सर से ऊपर निकल चुका है, उन्होंने कहा भाई क्या कर लेंगे। मैंने कहा आपके प्यार में वो जहर पी लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप डरपोक हैं। उनसे चैलेंज जीतने के लिए मैं आपको जहर पिला कर रहूंगा। अरे मैं क्यों जहर पीने लगा? मैं नहीं पीऊंगा। आप ऑलरेडी पी चुके हैं। क्या? हाँ भाई, कब? अभी एक मिनट पहले आपके ड्रिंक में मैंने जहर मिला दिया था। पागल है क्या? पिला दिया, वो गया अंदर और मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाएंगे। ऊपर हटो हटो हटो, भाई संध्या मैम के प्यार में जहर पी लिया। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, इमरजेंसी केस है, हटो। इमरजेंसी पेशेंट का रिश्तेदार हूँ, पेशेंट का रिश्तेदार, मैं इनके साथ आया हूँ। डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर, आपके हाथों में जादू है। थैंक यू वंस अगेन। क्यों वीरा? हाथ पकड़ लिया। थोड़ा जहर क्यों पिया? पूरी बॉटल क्यों नहीं पी? जरूर पियेंगे भाई, प्यार में बॉटल तो क्या, पूरा ड्रम पी जाएंगे। पूरा ड्रम? जरा यहाँ, मुझे डाउट है तू मेरे लिए यहाँ आया या उसके लिए? मेरा प्यार होता तो मैं जहर पी लेता। जहर का नाम लिए बिना तेरा सेंटेंस पूरा नहीं होता यार। मुझे तो चाय के नाम से ही एसिडिटी हो जाती है, जहर मेरा पेट अपसेट कर देगा। क्यों रे, आर्ट फिल्मों की तरह ये मामला ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो रहा क्या? क्यों ना माल मसाला डाल के साउथ फिल्मों का तड़का लगा दे। क्या कह रहे हैं तुम्हें? सुनना चाहती हैं आप? जहर लाने को कह रहे हैं ताकि आपके सामने जहर पी जाए। मैंने कब कहा? शौक से मरो तुम यही। ये अच्छा हुआ बहू ने फोन उठा लिया, तो मैं कह रहा था बहू। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, आगे से फोन किया तो तुम्हारा ऑपरेशन। उस नालायक को डॉक्टर मिल गई? अपने पापा से कहो मुझे बार बार फोन ना करे। अच्छा उसकी आओ, तुम्हारे पापा इसे बहू क्यों बुला रहे हैं? क्या तुम भी इसी पे लाइन मार रहे हो? छीछी छीछी कह के इतना गंदा चेहरा बनाया, तुम्हें वो इतनी बदसूरत लगी क्या? ऐसी बात नहीं है भाई, आपकी प्रेमिका है ना, मेरे लिए आंटी समान है। शुक्र है दोस्त, डॉक्टर से कहो ना मुझे डिस्चार्ज दे दे, मुझे वसूली पे जाना है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? आप भी थोड़ा सा जहर पीजिए ताकि इनका दर्द समझ में आ जाए। अबे क्या बक रहा है? मैं शपथ लेता हूँ जब तक भाई को प्यार में कामयाबी नहीं मिलती मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बहुत भूख लगी है, चलो कैंटीन में चलकर डिस्कस करें। अबे फेंको चल। मुझे भी ऐसा लग रहा है। आप बिल्कुल ठीक है, कल सुबह आप घर जा सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर। मुझे लगता है सेफ्टी के लिए 2-3 हफ्ते इन्हें यहीं रखना चाहिए। 2-3 हफ्ते और सड़ाएगा। भाई मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं ना? मैं कह रहा था तुझसे किस मनहूस घड़ी में मिला, डिस्चार्ज मिलते ही तुझे देख लूंगा। बाहर निकलोगे तब देखोगे ना। आगे जो ब्रांच में ये है, ये क्या करने वाला है? आग आग, अबे ये तो धुआं, वो धुआं फैल के इसको आग से क्यों बोल रहा है? अबे नीचे से कुछ गाड़ी चल रही है, कुछ ऐसी वो धुएं वाली चीज जो वो मम्मी होता है वो। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन में जाए खाली। अबे आग नहीं थी पर आग नहीं थी। ये क्या किया? डिस्चार्ज मिलने वाला था फिर कूदे क्यों? किसी ने कहा हॉस्पिटल में आग लगी है। आग लगी है? हाँ। कल रात यहाँ कोई फायर एक्सीडेंट हुआ था नहीं तो? इन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। संध्या डे शिफ्ट में है ना? ये मेरा कांड है भाई, कल रात ही मैंने संध्या मैडम से एक मीटिंग की, आपकी तरफ से शादी का प्रपोजल दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो मैं भी भड़क गया। मैंने कहा भाई खिड़की से कूद जाएंगे, उन्होंने कहा वो डरपोक है नहीं कूदेंगे।
पर आपने कूद के मेरी इज्जत रख ली। यू आर फैंटास्टिक भाई, सिंपली अमेजिंग। आओ, तुम फिर से बच गए। 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, फिर भी तुम सेकंड फ्लोर से क्यों कूदे? जरूर कूदेंगे। आपके प्यार के लिए सिर्फ सेकंड फ्लोर क्या है, वो टेरेस से भी कूदेंगे। आईफेल टावर से कूद जाऊं? तुम मीनार से कूद जाओ। संध्या, तीर निशाने पर लग गया ना? दुश्मन, अपने फ्रैक्चर्ड हाथ जोड़ता हूँ, आगे से मेरी हेल्प मत करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? इस वक्त तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने की हालत में नहीं हूँ रे, बस बचे हुए हाथ पैर सलामत रहे ऐसी विनती कर सकता हूँ। सुन, हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज मिलते ही अगर तुझे इसी बेड पर नहीं लिटाया तो मेरा नाम वीरा ब्रह्मा नहीं। मैं समझ गया भाई। क्या समझ गया? नीचे कूदने के बाद घुटने के साथ ब्रेन डैमेज हो गया, वरना मुझे धमकी देने की गलती नहीं करते। पर मुझे इस बात से दुख नहीं हुआ। जब तक आपका प्यार आप नहीं पाते, मैं भी चैन से नहीं सोऊंगा। अभी नींद आ गई है। सोएगा नहीं, उबासी तो ले रहा। चैन से नहीं सोऊंगा। तो भाई तुझे के अंदर से निकल रहा है। तुझे क्या लगता है भाई साहब, ये सोने नहीं जा रहा क्या? जिस तरह से पहले बोला, जब तक भाई साहब इनको प्यार नहीं मिलता ये खाना नहीं खाएंगे और मैं भी नहीं खाऊंगा, तो दो मिनट बाद कहते चलो आओ कुछ कैंटीन से खा के आते। ओए 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 यार भाई साहब, ब्रह्मा जी के भाई साहब, मैं कहता हूँ एक नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, शराब मराब पिलाता ही उसको ब्रह्मन को ना, और इस लड़की का बता रहा है, कहता है कि भाई वो भाई साहब कहती है भाई साहब नहीं पी सकता जहर, ये है वो है। तो कहता है भाई मैं कौन सा पी गया? कहता तो जैसे मैं मिला के तुझे मिला दी है। ओए जो भाई साहब बेहोश होते ही तो उसी के अस्पताल में ले जाते हैं, जिसके पीछे मेरा राज अब ब्राह्मण लगा होता ही। और मेरे ख्याल से ये जो वो दूसरी लड़की का जो यूं हाथ पकड़ रहा है और खाने के भी टाइम उसको, ये मुझे लगता है या तो ये इसी के लिए आया, चक्कर में आया, और इस ब्रह्मन जी के चक्कर में ना इस बेचारे को जख्मी करके हॉस्पिटल में इसको डाला हुआ, ताकि भाई साहब मैं भी ना निकलूं यहाँ से और भाई मेरा भी टांगा फेट हो। लेकिन भाई साहब वो तो कह रहा है कि जब 8 फ्लोर की बिल्डिंग थी तो तुझे दूसरे फ्लोर से छलांग लगाने की क्या जरूरत थी। कहता वो भी लगाएगा, एफिल टावर से ना लगा लूं मैं। और भाई कौन से जन्म का, और कहता भाई तुझे मैं निकलने नहीं दूंगा, देखता हूँ तू कैसे निकलता है। हालांकि इस बेचारे को देख वजह छुट्टी होने वाली थी, और ये बेचारे बली और वो जानबूझ के धुएं बार मार रहा है। तो वो तो कहता है ना 2-3 हफ्ते में तुझे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। और वो मेरे ख्याल से मशीन से वो फोग वाली नहीं होती जो कंसल्ट होता है, तो वो मेरे ख्याल से फैला के इसने बोल दिया, ओ आ गया ये सीधा के सीढ़ी से बाहर, वो खिड़की से बाहर हो भाई। तहकीक तो करके आग लगी है क्या, और खिड़की से गिरेगा तो हाथ पांव तक टूटेगा, और उसमें जो ना वो 2-3 हफ्ते लग जाते। ये अभी 2-3 हफ्ते, और मेरे ख्याल से फिर ये अगर ये ठीक होते ही तो फिर इसको करेगा, क्योंकि कहता मैं आपका प्यार आपको मिला कर रहा हूं। अब भाई, और भाई वो जो आती है बड़ी मैडम, वो भी डॉक्टर भाई, वो इसको गालियां दे दी, कहते तू मरता क्यों नहीं, जहर क्या भाई, तो पूरी बोतल पीना था कि मर एक बार। वो कहता है कि भाई बोतल के पूरा ड्रम पी लेगा। लेकिन वो तो उसको एहसास दिला रहा होता है कि वो आपके प्यार के चक्कर में क्या करेगा ब्रह्मदम जी। लेकिन यार मजा आ गया यार, लेवल था भाई, लेवल था। बेचारे ब्रह्मदम जी के साथ हमेशा ही गलत होता है। आज ये भी बड़े मस्त एक्टर हैं, ये जो साथ थे ये बड़े मस्त एक्टर हैं। लेकिन भाई साहब इन्होंने भी ब्रह्मदम जी को गोली किए रखा है। कसम से भाई मजा आया इस सीन देखकर। इस तरह के और सीन वगैरह यार कौन से सेक्शन के अंदर बता दिए करो, लिंक भेज कर, हम डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।